रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी अनिल जैन ने किसानों से वादा खिलाफी को लेकर राज्य सरकार पर भ्रम का निशाना साधा। अनिल जैन ने कहा है कि गंगाजल हाथ में लेकर इन्होंने एक एक दाना और 2500 रुपए में धान खरीदने की बात कही थी, लेकिन आज सरकार अपने वादे से मुकर गई है। भाजपा इसकी भर्त्सना करती है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया है, और साथ ही साथ जिन जिन प्रदेशों में इस तरह की बातें की हैं कोई वादे पूरे नहीं किए हैं, जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, छलावा किया जा रहा है, और अब यह रेट बताने को तैयार नहीं है। अब तक धान 2500 रुपए में खरीदने का जिक्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए भाजपा आंदोलन करेगी इस बात को लेकर, जनता को मूर्ख बनाने नहीं दिया जाएगा जो कि कांग्रेस कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेट ही नहीं अब यह सरकार किसानों के रकबा भी कम करने की कोशिश कर रही है, इसका भी पर्दाफाश करेगी जनता। इस सरकार ने जो वायदे की थी गंगा जल की सौगंध खाकर जो वायदे किए थे कि हम एक एक दाना खरीदेंगे और 2500 के रेट पर खरीदेंगे, भारतीय जनता पार्टी इनकी भर्त्सना करती है कि ये इन्होंने झूठ फरेब धोखा और सारे देश में जिन जिन प्रदेशों में इन्होंने इस तरह की बातें कही वो कोई वायदे पूरे नहीं किए, जनता के साथ धोखा किया, छलावा किया।